नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री परेशान हैं। दरअसल जब चुनाव शुरू होने को था उससे 6 महीने पहले उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा हाल हो जाएगा। तो बड़ा कॉन्फिडेंस था और हकीकत में बताऊं इंडिया गठबंधन को भी उम्मीद नहीं थी कि उनके पक्ष में इतना माहौल बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा ये तस्वीर साफ होती चली गई कि इस बार 400 पार नहीं 200 पार का भी लक्ष्य पाना मुश्किल हो रहा है। तब देश में यह चर्चा शुरू होने लगी कि क्या वास्तव में प्रधानमंत्री जी की विदाई तय है, और फिर यह चर्चा भी शुरू होने लगी कि अगर प्रधानमंत्री जी ये चुनाव हार जाते हैं तो वो करेंगे तो क्या करेंगे, क्या नेता प्रतिपक्ष होंगे या फिर कोई और नया रास्ता तलाश करेंगे। इस बीच ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि वो इंडिया गठबंधन की सरकार को बाहर से समर्थन देंगी। मतलब 4 जून के बाद नतीजे आने से पहले इंडिया गठबंधन की सरकार की स्थिति क्या होगी ये पहले देखने लगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट की बहुत चर्चा है सोशल मीडिया पे। उस चर्चा के मुताबिक कि इंटेलिजेंस ने भी माना है कि सीटें 190 भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं। तो क्या माना जाए कि ये प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल की कार्यकाल की विदाई वेला है, इसलिए प्रधानमंत्री जी हड़बड़ा रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, कुछ का कुछ बोल जा रहे हैं, या कोई रणनीति है कि इतना कंफ्यूजन कर दो अपने बयानों से कि संभल नहीं पाए। इस बीच में प्रधानमंत्री के बयानों से शेयर मार्केट पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। बाजार काफी नुकसान निवेशकों को उठाना पड़ा। दुनिया की निगाह रहती है भारत पे, तो कंफ्यूजन रहता है कि भारत में होने वाला क्या है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और बहुत पैनी निगाह जिनकी रहती है चुनाव पर, महाराष्ट्र से आते हैं और बहुत अनुभव है उनको राजनीति का, राजीव रंजन जी। और मैं उनके संग पहले भी शो कर चुका हूँ। चलते हैं उनसे पूछते हैं कि महाराष्ट्र का क्या हाल है और देश की राजनीति का क्या हाल है। स्वागत है राजीव भाई आपका। बहुत बहुत अब तो प्रधानमंत्री पे तरस आने लगा है, मुझे लगने लगा है कि तो खराब, मतलब 73 साल के आदमी की ये जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं इंटरव्यू में, ये आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है प्रधानमंत्री के साथ ऐसा? देखिए क्या है संजय जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। किसी भी इंसान के व्यक्तित्व को परखने के लिए 2 आयाम होते हैं। एक होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, IQ जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है इमोशनल क्वेश्चन जिसको EQ बोलते हैं। ठीक है, अब मैं हमारे प्रधानमंत्री के IQ पे तो मैं बात करना नहीं चाहूंगा, कोई चर्चा भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो बादलों के नीचे से प्लेन गुजारने की बात करते हैं, रडार की बात करते हैं, गैस से नाली से गैस निकाल रहे हैं और खाना बनाने की बात कर रहे हैं। तो लेट अस नॉट टॉक ऑन IQ ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। पर ये जो दूसरा जो आयाम है जिसको इमोशनल क्वेश्चन कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और आपके दर्शकों को मैं जो अभी बताने जा रहा हूं ये उन्हें बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये उन्होंने कहीं भी नहीं सुना होगा। और मुझे ताज्जुब है कि क्यों नहीं हमारे अपोजिशन लीडर्स इस बात को उठा रहे। देखिए, भारत एक एटमिक पावर है, ठीक है, परमाणु बम हमारे पास में है, तो क्या इस देश के ऐसे व्यक्ति के हाथ में हम परमाणु बटन दे सकते हैं जो इमोशनली बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनली डिस्टेबलाइज दिख रहे हैं। तो ये एक समझने वाली बात, और ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पे चर्चा करना चाहिए। हम लोग हर बार ये बोल के उनको ही बचाते हैं या उसको हल्के में लेते हो कि अरे झूठ बोलने की तो उनकी आदत है, वो तो मिथोमैनिया से ग्रसित है ना, या फिर ये उनकी कोई स्ट्रैटेजी रही होगी, मतलब कमजोरियों को भी हम स्ट्रैटेजी बना देते हैं। पर ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ना केवल देश के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, क्योंकि भारत एक एटमिक पावर है। क्या इस देश का प्रतिनिधित्व एक ऐसे आदमी के हाथ में रहना चाहिए जो इमोशनली डिस्टेबलाइज हो जाता है रह रह के पूरे नेशन के सामने रोना शुरू कर देता है? क्या आपने किसी और देश के हेड को, किसी भी देश के गवर्नमेंट के हेड को कभी इस तरीके से रोते हुए देखा है? ये सब मुद्दे जो है, ये चर्चा के मुद्दे, यदि यही चीजें ब्रिटेन में हो रही रहती या अमेरिका में हो रही रहती, बर्तानिया सरकार के अंदर में यदि कोई इस तरीके से रो रहा रहता, तो
तो आप देखिए ये नेशनल इशू बन गया रहता, नेशनल इशू बन गया रहता, वहां की मीडिया जो है इस चीज पे चर्चा कर रहती कि क्या हमारे एटॉमिक पावर्स जो है, एक न्यूक्लियर बटन जो है, क्या एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में होने चाहिए जो इमोशनली डिस्टेबलाइज है या जिसका इमोशनली क्वेश्चन कम हो रहा है। ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पे चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुख की बात यह है कि आज की डेट में पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेस ये दोनों एक ही हो गए, जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं। बेसिकली क्या है, वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ में इनलाइन है। तो किसी भी पत्रकार की ये हिम्मत नहीं है कि ये उनसे सवाल पूछे कि मोदी जी आप इतना इमोशनली ब्रेकअप पॉइंट पे क्यों आ जाते हैं, ये ब्रेकअप पॉइंट पे आप आ जाते हैं क्या ये देश के लिए अच्छा है जबकि आपके हाथ में न्यूक्लियर बटन्स है। तो इस चीज को मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि ये बात मुझे क्यों बोलनी पड़ रही है, ये तो विपक्षी पार्टियों के जो लीडर्स हैं उन्होंने बोलना चाहिए, उनके जो ये स्पोक पर्सन है उन्होंने बोलना चाहिए, और मीडिया में जो इतने बड़े बड़े कॉलमनिस्ट हैं, ठीक है, वो जो हर हफ्ते कॉलम्स लिखते हैं उनको ये क्वेश्चन रेस करना चाहिए कि क्या भारत का प्रतिनिधित्व एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो इमोशनली ब्रेकअप पॉइंट पे बहुत जल्दी आ जाता है। मेरे ख्याल से संजय जी इस चीज पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए, और हमें बार बार जो है इनको क्लीन चिट देने की जरूरत नहीं है बोल के कि ये इनकी स्ट्रैटेजी रही होगी या ये बहुत झूठ बोल देते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग इमोशनली इनका एक्सरे करना जरूरी है, इमोशनली इनका चेकअप करना जरूरी है। देखिए 75 साल के आसपास आ रहे हैं, एक साल से रहेगा 74 के आसपास में, तो ऐसी स्थिति में ऐसी उम्र में जब व्यक्ति पहुंचता है तो कुछ ऐसी हरकतें करता है जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। मुझे चिंता इस बात की कि क्या वैसे व्यक्ति के हाथ में हम न्यूक्लियर बटन दे सकते हैं क्या, ये एक सवाल है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इसके बहुत बड़े जो है मायने हैं। हमने देखा 2019 में क्या हुआ था बालाकोट के टाइम में, यदि डोनाल्ड ट्रंप और इंटरनेशनल फोर्सेस शायद उस टाइम में नहीं बीच बचाव करती तो मेरे ख्याल से वो एक दूसरा एंगल भी ले सकता था। तो हमको इमोशनली स्टेबल आदमी चाहिए एज ए हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, एज ए हेड ऑफ ए स्टेट। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि आप मालदीव से भी झगड़ा कर लो, आप नेपाल से भी झगड़ा कर लो, आप श्रीलंका से भी झगड़ा कर लो। यानी आज हम भारत देश जो है इसके जो बहुत पुराने अलाइज थे वो भी आज की डेट में एक एक करके चीन के गोद में जाके बैठ रहे हैं, और हम बोलते हैं कि विदेश नीति में हम बहुत सक्सेसफुल हैं। इन सब बातों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए और ये इलेक्शन के ही टाइम में होने चाहिए थी, पर दुख की बात है कि इलेक्शन के टाइम में जो है हम अजीब टाइप की बातें कर रहे हैं। मतलब इसमें जो है ये मुद्दा कहीं मायने नहीं रखता है कि आज जो है वॉट नरेंद्र मोदी स्टैंड्स फॉर, हाउ ही गवर्न्ड, वॉट ही हैड अकम्प्लिश्ड ऑन हेल्थ इश्यूज, ऑन एजुकेशन, ऑन एम्प्लॉयमेंट, ऑन सिविल राइट्स, ऑन प्रेस फ्रीडम, ये मुद्दों पे चर्चा करने के बदले हम बात कर रहे हैं कि भाई 400 पार, हम बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, हम बात कर रहे हैं मंगलसूत्र, हम बात कर रहे हैं गाय भैंस, हम बात कर रहे हैं गंगा ने गोद में लिया है। अरे भाई सवाल ये उठना चाहिए कि जिस आदमी ने इस देश के ऊपर में 10 साल शासन किया है, वॉट ही स्टैंड्स फॉर, और उसने कैसे गवर्न किया है, इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है। ये बार बार बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी के टाइम में जीडीपी बढ़ी है। मेरा एक सिंपल सवाल है एज ए फाइनेंशियल जर्नलिस्ट कि यदि जीडीपी बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ रही है, देश का विकास हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है। यदि आप बोल रहे हो कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा के ऊपर लाया है तो फिर आपको 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों देना पड़ रहा है। इस टाइप के सवाल जवाब होने चाहिए, इस टाइप के मुद्दों पे बहस होनी चाहिए, पर इस टाइप के मुद्दे जो है पूरी तरीके से गौण। जी संजय, वहां सवाल होते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप थकते क्यों नहीं है, प्रधानमंत्री जी आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, प्रधानमंत्री जी आप बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये सवाल होते हैं कह रहे सवालों की बलिहारी है। इसका मतलब ये कि एक कहीं ना कहीं देश को इस पे भी सोचना चाहिए, एक नियम इस पे भी बनना चाहिए कि भाई जब अग्निवीर नौजवान 4 साल में पेंशन लेके घर चले जाते हैं तो नेताओं की भी अब एक उम्र में रिटायरमेंट होना ही चाहिए। क्यों नेता 70-80 साल तक काम करता रहे, भाई आप सरकारी कर्मचारी आप उनको 60-62 साल पे कह देते हैं भाई अब आप काम करने लायक नहीं बचे जाइएगा। अग्निवीर के लिए तो आप 4 साल में विदाई कर देते हैं, यहाँ 75 साल की उम्र में भी
अब की बार 400 पार, अब की बार 300 पार, और अब की बार पाकिस्तान पार, इस तरह के नारे लगते हैं। आपको लगता नहीं इस देश को इसमें भी चिंतन करना चाहिए कि नेताओं की भी एक रिटायरमेंट की, और मुझे लगता है इसे पोल करा लें, शर्त लगा के मैं कह सकता हूँ इस पे देश का एक पोल करा लें कि नेताओं की रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मैं जो शर्त है मैं हारने को तैयार हूँ। पूरा देश एक सुर में कहेगा कि जब सरकारी कर्मचारियों को 62 साल होती है तो चलो 3 साल हो रहे हैं, लेकिन 65 साल में भी नेता को भी रिटायर हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि नेता की रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जो देश की, जो विश्व की सबसे स्ट्रांग डेमोक्रेसी है अमेरिका, कुछ सोच समझ के वहां पे दो टर्म्स रखे गए हैं, ठीक है, कि किसी भी इंसान के हाथ में असीम शक्तियां ना चली जाए। आज जो देश में हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो असीम शक्ति हो रही है। आज क्यों पत्रकार स्टेनोग्राफर बन गए? पत्रकार स्टेनोग्राफर इसलिए बन गए हैं या वीडियो जॉकी बन गए हैं, सिर्फ पोस्टमैन का काम कर रहे, सामने वाला जो बोल रहा है बिना सोचे समझे उस चीज को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ये वीडियो जॉकी और स्टेनोग्राफर पत्रकार इसलिए बन गए क्योंकि इनको मालूम है कि यही नेताओं से इनको कई दशक तक जो है इन्हीं का सामना करना पड़ेगा। और असीम शक्तियां हैं नेताओं के हाथ में। किसी भी हाल में किसी भी प्रधानमंत्री को दो टर्म से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, सचिन तेंदुलकर जैसे या लता मंगेशकर जैसे जो राज्यसभा मेंबर बनते हैं, इनको किसी भी हाल में कोई भी सरकारी सुविधाएं जो है इनके ऊपर में खर्चा नहीं करना चाहिए। इनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए राज्यसभा की या इसकी, क्योंकि ये अपने आप में इनका कैलिबर बहुत ज्यादा है। जिस देश का फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इतना हाई चल रहा है, जिसके ऊपर में 205 लाख करोड़ का डेट है, उस देश को क्यों ये बड़े बड़े लोगों को जिनकी अपनी आमदनी है इनको पेंशन की सुविधा और तमाम तरीके की सुविधाएं देने पे पैसा खर्चा करना चाहिए? देखिए, इस देश में पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर में एक रेफरेंडम होना चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे पहला ही काम करना चाहिए यदि इंडिया अलायंस सरकार में आती है कि वो रेफरेंडम करे कि एक प्रधानमंत्री का टेन्योर कितना होना चाहिए। एक जो कैबिनेट कमेटी में जो मिनिस्टर्स चार रहते हैं, फाइनेंस, डिफेंस, आपका होम और विदेश मंत्री, इन चारों का कितना टेन्योर होना चाहिए? 25 साल तक, 20 साल तक एक ही आदमी के हाथ में आप फाइनेंस इस देश का नहीं दे सकते, 15 साल तक एक आदमी के हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, शक्तियों का असंतुलन होगा। अब आप इस बात को समझिए, यदि अमेरिका इस चीज को एप्लीकेबल कर रहा है, और हमारी तो आदत है कि हम अमेरिका का अनुसरण करते हैं, हर चीज में अनुसरण करते हैं, हर चीज में बोलते हैं कि भाई वो जो कर रहे वो सही है, तो हम इस चीज में क्यों नहीं अनुसरण कर रहे? ये पॉलिटिशियंस बहुत चालाक है, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन इस देश के इतने चालाक हैं कि जहां पे भी इनके हितों पे कुटराघात होने का सवाल आता है तो ये बोलने लगते हैं कि देखो देखो देश के हितों के साथ खिलवाड़ हो सकता है। भाई, आपके हितों के साथ खिलवाड़ होना और देश के हितों के साथ खिलवाड़ होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। भाजपा ने एक सिंपल पॉलिसी नरेंद्र मोदी के अंडर में जो है अडॉप्ट की है, और संजय जी वो पॉलिसी ये है कि यदि कोई भाजपा का या नरेंद्र मोदी सरकार का क्रिटिसिज्म करता है तो क्लियरली बोलते हैं कि भाई आप देश के खिलाफ जा। तो इन्होंने पार्टी को देश बना, यही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी। जी, पाकिस्तान चले जाइए आपको, या पाकिस्तानी हो। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी प्राइवेट लिमिटेड हो गई है? बिल्कुल सही, ये चीज तो मैं ना जाने कितने मंचों पे कितनी बार बोल चुका हूं कि पार्टी चली गई हाशिए पे, और ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गिरफ्त में चली गई। अमित शाह क्या, नरेंद्र मोदी प्राइवेट लिमिटेड ही है वो। देखिए, नरेंद्र मोदी जो है ये बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर है, ऐसा लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था। मैं नहीं कह रहा हूं, जब ये सरकार में 2014 में आए थे तो लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की एक ही क्वालिटी है और वो है कि वो बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर। तो इन्होंने क्या किया है, पूरे के पूरे देश में अगर छोटा सा भी कुछ होता है ना तो उसको बड़ा इवेंट बना देते और उस इवेंट की धुरी में, केंद्र में ये अपने आप को रखते। तो भारतीय जनता पार्टी अब हो गई है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, और जिसके सीईओ हो गए हैं नरेंद्र मोदी, और पूरा देश, हमारा देश जो है ना ये एंटरटेनमेंट स्टार देश है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट की बहुत कमी है, इसलिए सड़क पे यदि दो लोग झगड़ा भी करते हैं तो 100 लोग खड़े होकर देखना चालू करते हैं, ठीक है। तो उनको मालूम है कि ये एंटरटेनमेंट स्टार्ब्ड कंट्री को, जो एंटरटेनमेंट की भूखी है, इसको कैसे छदम
कैसे खोखले मतलब इश्यूज दिखाया जाए कि G20 समिट हो रहा है तो ये देखिए भारत बन गया विश्व गुरु। अरे भैया वो तो होना ही है, वो कोई ना कोई देश तो होस्ट करेगा ही उसको, तो इसमें भारत कहां से विश्व गुरु हो गया। और आपको मैं बताता हूँ, आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि हमारा टर्म जो था 2026 में शायद आने वाला था, 26 या 27 में आने वाला था, मोदी जी ने बोल के लिए कि G20 हमको ऑर्गेनाइज करने दीजिए, क्योंकि उनको ये पूरा इवेंट जो है अपने एडवर्टीजमेंट के लिए एक साल पहले से ही अपना एडवर्टीजमेंट, अपना ब्रांड बिल्डिंग जो है वो पिकअप कराना था। तो आपका ये एकदम सही कहना, पर आपको एक अंदर की बात मैं बता देता हूँ, हर इंटरव्यू में आता हूं तो कुछ ना कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है आपके दर्शकों के लिए। एक बहुत बड़ा मसौदा या रणनीति तैयार हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कि यदि ये, जैसा मैंने लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि 190 जो है उतने पे निपट जाएंगे एनडीए भारतीय जनता पार्टी में, यदि वैसी स्थिति आती है ठीक है, तो उस स्थिति में पूरा का पूरा काया पलट होने वाला है पार्टी के अंदर। अभी तक पार्टी के अंदर पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो सलाह मशवरा से जो है ना, मतलब आपसी कंसल्टेशन और कंसेंसस से ये लोग बना लेते। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में शायद पहली बार ऐसा मौका आएगा कि यहाँ पे पार्टी प्रेसिडेंट बनाने के लिए खूब द्वंद। और आप इस बात को समझिए कि ये जितने हाशिए पे पहुंचा दिए गए लीडर्स हैं, आप संजय जी इस बात को भूल रहे हैं कि नितिन गडकरी जो है वो नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी के। नितिन गडकरी, जैसा मैंने आपको बताया था, बनारस में नॉमिनेशन में नितिन गडकरी नहीं गए। नितिन गडकरी जब ये नागपुर में आए थे तब नितिन गडकरी मिलने नहीं गए थे, ये भी खबर जो है 4 PM ने मैंने ब्रेक किया था यहाँ पे। वैसे ही नितिन गडकरी जो है ये नॉमिनेशन में नहीं गए, शायद दूसरी जगह पे भी आया होगा, मुझे आइडिया नहीं है, पर वो नहीं गए। यहीं तक न्यूज आया होगा तो आया, पर वो क्यों नहीं गए इसका रीजन जो है ये किसी ने इसका एनालिसिस नहीं किया है। बहुत बड़े लेवल पे इंटरनल उठा पटक जो है आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और जो ये कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल ने एक सुरसुरी छोड़ दी है कि 2 महीने के अंदर में जो है मोदी जी को बदल दिया जाएगा, यदि सीट कम होती है तो आप देखिए किसको बदल दिया जाएगा और क्या बदलाव आता है। आप क्या समझ रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनकी मां के पैसे से भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई है, क्या वो अपने हाथ से पार्टी पूरी जाने देंगी और खामोशी से बैठेंगी? मुझे इसके ऊपर में बहुत डाउट लगता है। गडकरी साहब यदि नहीं जा रहे हैं कहीं पे भी तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। योगी आदित्यनाथ यदि शांति से चुपचाप बैठे हुए हैं तो इसका भी बहुत बड़ा कारण है। यदि मध्य प्रदेश के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे वो यदि अशोक गहलोत से मिलने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं और उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं तो उसके भी बहुत मायने हैं। देखिए क्या होता है, पॉलिटिक्स के अंदर में सिग्नल्स दिए जाते, पॉलिटिक्स के अंदर में शब्दों का कोई मोल नहीं है, इसमें आपका जो एक्शन है ये महत्व रखता है ना। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, वो जो बोला जाता है वो यहाँ बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको हाशिए पे पहुंचा दिया गया है, ये शांति से बैठने नहीं वाले और ये कोई रिटायरमेंट लेने भी नहीं वाले, बस ये इस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि 4 जून को कितनी सीट आती है वो एक बार पता चल जाए, उसके बाद में ही आप देखिए कि कैसे चेस का गेम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो शुरू हो। जी संजय जी, अच्छा जी जी बताइए मुझे, जैसे आपने बताया कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि एनडीए 190 पे आएगा, एक स्थिति ये है कि भाजपा 150-200 के बीच में रह जाती है तो, और एक स्थिति हो जाती है कि भाजपा 300 पार चली जाती है तो, उन दोनों स्थिति में गडकरी का क्या होगा? देखिए 300 पार के बाद के ऊपर गई तो गडकरी साहब की तो राजनीति खत्म, वो रिटायरमेंट में चले जाएंगे, राजनीति उनकी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और यदि जैसा मैंने बताया कि 190 पे निपट जाएंगे अगर, तो आप समझिए कि इनके बल्ले बल्ले चांदी हो जाएगी, क्योंकि जितने भी लीडर्स हाशिए पे पहुंचा दिए गए ये सब गडकरी साहब के पीछे लामबंद हो जाएंगे। यदि गडकरी जी जीतते हैं नागपुर से तो, क्योंकि जो कांग्रेस के, हाँ कांग्रेस के जो लीडर खड़े हुए विकास ठाकरे भाऊ जो है, भाऊ ने बहुत अच्छी टक्कर दी है, बहुत बढ़िया लीडर है और मतलब लोगों ने भी सपोर्ट किया है। देखिए कांग्रेस में थोड़ा टिकट वितरण में गड़बड़ी हो गया, यहाँ तक कि जो नागपुर के बाजू की सीट है रामटेक, ये भी 100% शॉर्ट के लोग जीत जाते थे यदि ये नितिन राउत को टिकट देते थे, जो
दलितों के सबसे बड़े लीडर हैं महाराष्ट्र के अंदर, पर नितिन राउत की आपसी पार्टी के अंदर जो इनकी रंजिशें हैं उसके कारण उनकी टिकट कट गई। यदि उनको टिकट मिलती थी तो रामटेक की सीट भी शोर शॉट आती थी। तो ये विदर्भा जो है ये बहुत बड़ा गढ़ बन के उभरता था, विकास ठाकरे नितिन राउत यानी ये जो दोनों बड़े लीडर है नागपुर के, ये बड़े नेशनल लेवल पे आते थे। बट अब हमको 4 जून को वेट करना पड़ेगा। तो जो आपने बोला कि गडकरी जी की क्या स्थिति होगी, गडकरी जी धुरी में, गडकरी जी केंद्र में आ जाएंगे यदि 190 की सीट मिली तो, वसुंधरा राजे से लेके तो योगी तक सब गडकरी साहब के आजू बाजू जो है अपनी जो है ना रणनीतियां तैयार करने में लग जाएंगे। और देखिए गडकरी साहब को ममता बनर्जी भी पसंद करती है, अरविंद केजरीवाल भी पसंद करते हैं, बहुत सारे लीडर हैं जो नितिन गडकरी की तारीफ करते हैं। उनके जितनी फैन फॉलोइंग पार्टी के अंदर में है उतनी फैन फॉलोइंग उनकी पार्टी के बाहर भी। तो मैंने आपको बताया भी था शायद एक चर्चा में कि ना राहुल गांधी प्रचार करने के लिए नागपुर में आए, ना प्रियंका गांधी आई, जिसके कारण जो भाऊ जो है विकास ठाकरे के सपोर्टर्स के बीच में बड़े इस चीज को लेकर चर्चा हुई और वो थोड़े क्रोधित थे कि भाई ऐसा मतलब अगर वो लोग आ जाते थे तो भाऊ 100% शोर शॉट सीट निकाल सकते थे। ठीक है, पर वो अब हो गया इलेक्शन। बट मूल मुद्दे की बात ये है कि आने वाले जो 380 सीट्स पे इलेक्शन हो गए हैं, 163 सीट्स बची हैं, इसमें से पंजाब की 13 सीट निकाल दीजिए तो 150 हो गया, हरियाणा की 10 सीट निकाल दीजिए तो 140 हो गया, 60 सीट दिल्ली की निकाल दीजिए तो 133 हो गया, और एक चंडीगढ़ निकाल दीजिए तो 132 हो गया। 132 सीट में जो है वो कड़ी, अच्छा उसमें 5 सीट जम्मू कश्मीर और लेह की भी निकाल दी, तो 127 सीट जो है, 127 सीट में क्या भारतीय जनता पार्टी 80 सीट जीत पाएगी? ये एक अहम मुद्दा होने वाला है, जिसमें महाराष्ट्र की सीट है, यूपी की सीट्स है, बंगाल की सीट्स है, और ये हर जगह पे स्थिति एकदम नाजुक चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। जी संजय जी, बिल्कुल आपने बड़ा सेंसिटिव बात बताई मुझे। गडकरी हार जाएंगे ये बात बड़ा लोगों को चौंकाती है, लेकिन एक स्थिति और है राजीव भाई जिससे बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में मैंने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से बात करी, पॉलिटिकल लोगों से बात करी, जर्नलिस्ट से बात करी, मुझे लगता है कि देश में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे, या ये दूसरे शब्दों में कहूं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे धक्का पहुंचा रहे हमारे नतीजे, क्या महाराष्ट्र से आते हुए दिख रहे हैं आपको? महाराष्ट्र में मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि 22 सीट जो है वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बोल रही है कि एनडीए को मिलेगी, बट उसके बाद मुझे बहुत सारे पत्रकार दोस्तों के फोन आए और उन्होंने शर्त या तौर पे बोला कि हम शर्त लगाने को तैयार हैं कि ये 15 के आगे किसी भी हाल में नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पर हाँ एनडीए नहीं बढ़ेगा। अब ये मतलब मुझे नहीं मालूम किस बेसिस पे बोल रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि 22-21 सीट मिलना चाहिए इनको। तो स्थिति तो बहुत ज्यादा नाजुक है, और महाराष्ट्र की ही स्थिति को देखते हुए और पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा एक वक्तव्य दिया है कि हम बाहर से इंडिया अलायंस को समर्थन करेंगे। आप इसके मायने जो है इस चीज को समझिए, बहुत इसके पीछे गूढ़ रहस्य छिपा हुआ। जी संजय जी, क्या लगता है आपको ममता बनर्जी के इस बयान का क्या मतलब है? इस बयान का मतलब यह है कि भारत को पहला बंगाली प्रधानमंत्री मिलने वाला है, भारत को इंदिरा गांधी के बाद पहली महिला प्रधानमंत्री मिलने वाली है, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि 42 में से 32 सीट, 30 से 32 सीट पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत रही हैं। किसी भी तरीके से कैलकुलेशन कीजिए तो 125 के आसपास में आके कांग्रेस निपट रही है, पूरा इंडिया अलायंस 300 के आसपास में आके निपट रहा है। बिना ममता बनर्जी के सपोर्ट के केंद्र में सरकार बनने नहीं वाली है, और किसी भी हाल में कांग्रेस ये नहीं चाहेगी या दूसरे घटक दल ये नहीं चाहेंगे कि ममता बनर्जी जो है वो बाहर से समर्थन दे, क्योंकि वो एक डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट दिखेगी। तो अंत में आके यही निष्कर्ष पे बात आएगी कि दीदी आप आइए, हमारा आप हम सभी का आप में कॉन्फिडेंस है। देखिए अरविंद केजरीवाल तो पूरी तरीके से ममता बनर्जी के साथ है, ममता बनर्जी को हेमंत सोरेन का भी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट। ठीक है, अब रह गई बात अखिलेश जी की और डीएमके की। ठीक है, शरद पवार जी का भी उनको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आप एक बात को समझिए संजय जी, ममता बनर्जी एक मेव ऐसी महिला लीडर है पूरे भारत में जिसका कोई गॉडफादर नहीं, जिसने स्क्रैच से पार्टी शुरू की है। नहीं तो आप जितने भी महिला नेता देख लें, किसी का पति वो या तो किसी की बीवी है या किसी की बेटी है या किसी की बहन है या किसी की
गर्लफ्रेंड है, इन्हीं लोगों ने जो है पार्टियों को संभाला है, चलाया है। ममता बनर्जी एकमेव महिला जो है आपको दिखेंगी नेता जिन्होंने स्क्रैच से पार्टी को खड़ा किया, और कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े से बड़े लीडर उनकी कदमों में जाके गिरे, तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया उन लोगों ने, और जो पार्टी छोड़ के गए वो भी वापस आए और उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। एक मेन लीडर है जिसने कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन जिसको बोला जाता है, उस स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन को जो है इन्होंने मुंह की जो है ना मात दी है, मतलब मुंह की खाई है इन लोगों ने। तो ममता बनर्जी को हम किसी भी तरीके से डिस्काउंट नहीं कर सकते। बहुत सारे देखिए, गोदी मीडिया से भाजपा पे एप्लीकेबल नहीं होता, गोदी मीडिया कांग्रेस सपोर्टर जो पत्रकार है उन पे भी एप्लीकेबल होता है। आधे पत्रकार भाजपा की गोद में बैठे हैं, आधे पत्रकार कांग्रेस की गोद में बैठे, न्यूट्रल होके कोई चीजों को देख नहीं रहा है। न्यूट्रल बात यह है कि आप ममता बनर्जी की अनदेखी करके आप एक स्टेबल गवर्नमेंट इस देश को दे नहीं सकते, और कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि इस देश में स्टेबल गवर्नमेंट ना बने इंडिया अलायंस के अंडर। और वैसे भी ये पूरे इंडिया अलायंस में यदि सबसे कोई वीक स्पॉट है तो वो कांग्रेस ही है, क्योंकि इंदौर में कांग्रेस का जो है वो लीडर भागा, सूरत में कांग्रेस का लीडर भागा, पुरी में कांग्रेस का लीडर भागा। ये जो नॉमिनेशन हुए हैं, ये नॉमिनेशन छोड़ के भागने वाले कांग्रेस के लीडर, कहीं आपकी ममता बनर्जी का लीडर नहीं भागा, या अरविंद केजरीवाल का लीडर नहीं भागा, या लालू प्रसाद यादव का, या अखिलेश यादव का जो नॉमिनेट किया हुआ बंदा है वो नहीं भागा है। तो ये रीजनल पार्टीज को भी समझ में आ रहा है कि कांग्रेस हमारे पूरे इंडिया अलायंस का सबसे वीक स्पॉट है। पर बहुत सारे कांग्रेस की गोदी में बैठे हुए पत्रकार ऐसे हैं जिनको मतलब जो तुले हुए हैं ये बोलने के लिए कि भाई कांग्रेस के ही लीडरशिप में बनेगी तो बहुत अच्छी बात है। मैं कोई कांग्रेस विरोधी नहीं हूं, मैं भी कांग्रेस को बहुत सपोर्ट करता हूं, मेरी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से मेल खाती है, सेक्युलरिज्म पे हम विश्वास करते हैं, लिबरल थॉट्स पे विश्वास करते हैं। किंतु आज की सच्चाई ये है कि कांग्रेस को यदि स्टेबल गवर्नमेंट इस देश में देना है तो उनको ममता बनर्जी का प्रतिनिधित्व स्वीकार करना पड़ेगा। एंड मार्क माय वर्ड्स, यदि इंडिया अलायंस आती है तो स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए तो ममता बनर्जी को ही ये सब मिलके प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जी संजय जी, मजा बड़ा रोचक चुनाव हो जाएगा। लेकिन एक चीज और है, हमारे गुजरात के स्थानीय संपादक है मयूर जानी, उन्होंने कहा कि स्थिति गुजरात में भी ठीक नहीं है, 6-7 सीटों पे गुजरात में भी बीजेपी फंसी हुई है। आप कल्पना करिए कि गुजरात से भी ये संदेश आएंगे कि गुजरात में बीजेपी पांच सीट इंटेलिजेंस के हिसाब से पांच सीट हार रहे हैं गुजरात में, हाँ पांच सीट गुजरात में हार रहे हैं, दिल्ली में सातों की सातों ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये जो है, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना वहां पे ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है आप और कांग्रेस को। और हरियाणा में तो आपने देख ही लिया कि क्या हाल है, हरियाणा में तो छोड़ छोड़ के जो है वो भाजपा के लीडर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीर से ये पूरे नदारदी हो गए, लद्दाख का तो दूसरी पार्टी में ही शामिल हो गया, कांग्रेस में ही शामिल हो गया जो एमपी था। तो इनको सीट कहां से मिलेगी? महाराष्ट्र में भी तकलीफ है, बंगाल में अभी उसी जगहों पे इलेक्शन होने वाले हैं जहां पे सबसे स्ट्रांग है ममता बनर्जी, तो आप सीट निकालोगे कहां से? सीट निकालने के लिए आपकी जगह तो चाहिए ना आपको। एक बात, उत्तर प्रदेश में भी हालत, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कोई हालत नहीं है, क्योंकि आप जी लग रहा था यूपी से प्लस होगा लेकिन यूपी से तो माइनस ही। आपने ही ब्रेक किया था, आपने ही ब्रेक किया था कि राजा भैया को, ये 4 PM पे संजय शर्मा ने ही ये स्टोरी ब्रेक की है कि राजा भैया को अमित शाह ने बैंगलोर में बुलाया। तो ये क्यों बुलाया? इसके मायने हैं, ये छोटे छोटे जो सिग्नल्स है ना ये हमको पकड़ने चाहिए। जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था कि ट्विटर का मालिक जो है वो इंडिया नहीं आ रहा, इसके बहुत मायने हैं। फेसबुक जो है वो कोर्ट में बोल रहा कि हम देश छोड़ के चले जाएंगे, व्हाट्सएप, इसके बहुत मायने हैं। लोगों को ये छोटे छोटे सिग्नल पकड़ने चाहिए। ममता बनर्जी ने बोला मैं बाहर से समर्थन दूंगी, इसके बहुत मायने हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो आज की डेट में राजनीतिक विश्लेषक भी जो है भारत में या मीडिया में जो आते हैं, ये छोटे सिग्नल्स को नहीं पकड़ते, और इनका देखने का दृष्टिकोण जो है मतलब बाइनरी है, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी। आप देख लीजिए, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट कई ऐसे हैं, मतलब इनफैक्ट यूट्यूब पे आने वाले बड़े बड़े पत्रकार जिनको पितामह कहा जाता है, और आपके भी बहुत अच्छे मित्र हैं कई, जो क्लियरली इसको बाइनरी में देखते हैं, बीजेपी या कांग्रेस, वो ये भूल जा रहे हैं कि इसके बीच में और बहुत सारे प्लेइंग एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स को आप नजरअंदाज करके भारत की पॉलिटिक्स को
डिफाइन नहीं कर सकते हो आने वाले। जी संजय सही बात, स्थिति है और हम लोग चर्चा करते रहेंगे देश की राजनीति पे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने इतना कीमती समय दिया, आभार आपका। ये थे राजीव रंजन जी और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर देश की राजनीति में क्या होने जा रहा है। मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।